GMM फोडलर के दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट आ गए और आप सभी को पता है कि अब यहाँ पर हमें कंसोलिडेट रिजल्ट देखने। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 186 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशंस थी, वो बढ़कर 647 करोड़ आई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशंस में बहुत ही ज़्यादा बढ़त देखने को मिली और पिछले साल जो 26 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था वो इस साल बढ़कर 38 करोड़ आया और ये पिछले क्वार्टर में 18 करोड़ था। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इस स्टॉक से सभी इन्वेस्टर भाई थोड़े से परेशान हो गए थे क्योंकि इसने जो एक्विजिशन किया था उसकी एडजस्टमेंट की वजह से हमें पिछले दो क्वार्टर से यहाँ पर ख़राब नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे थे। मगर आप देखो फ्रेंड्स, इस पर 38 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है और यहाँ पर अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि प्रॉफिट एक्चुअल में देखें तो इससे कई ज़्यादा आना चाहिए, तो वो भविष्य में होगा क्योंकि फ्रेंड्स अभी 647 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू के ऊपर अगर हम मार्जिन निकाले तो अभी बहुत ही कम है। तो ओवरऑल अगले आने वाले दिनों में यहाँ से और भी प्रॉफिट बढ़कर आने की उम्मीद है और आप देख सकते हो 1 रुपये पर शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है जिसकी रिकॉर्ड डेट 11 नवम्बर फिक्स है और इसका फ्रेंड्स इस डिविडेंड का पेमेंट 25 नवम्बर के आसपास हो जाएगा। तो देखते हैं अब इस रिजल्ट का कितना पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात मैं बता दूँ कि हमारे सारे इन्वेस्टर भाइयों ने इस शेयर को अभी हाल ही में बाय किया है, तो ये बात आपको नोट करके रखनी चाहिए।